अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन कोफ्ता ग्रेवी। बहुत ही झटपट बन जाती है घर पे और बहुत डिलीशियस भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए आधा किलो चिकन कीमा। वैसे इसे मैंने अच्छे से धो के नितारने के लिए आधे एक घंटे के लिए साइड पर रख दिया था। इनफैक्ट मैंने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था कि जो भी इसका मॉइस्चर हो वो थोड़ा ड्राई हो जाए। इसे अब आप चाहें तो मिक्सर जार के अंदर डाल दें या फिर मेरी तरह मैं इसे है ना ब्लेंडर में डाल रही हूँ। ये है बड़ी साइज की प्याज का मैं बिरिस्ता डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये भी डाल दीजिए। ये मैं एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक ब्रेड को इस तरीके से हाथों की मदद से तोड़कर डाल दीजिए। ये 10 कली लहसुन की है, ये भी डाल दीजिए। बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया भी डाल दीजिए थोड़ा सा। आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटे चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा मिर्ची का पाउडर। 3-4 टेबलस्पून में मक्खन रख के डाल देती हूँ। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था मक्खन को, और इसे डालकर ढक्कन ढक दीजिए और बहुत अच्छे से बारीक ब्लेंड कर लीजिए। जब अच्छा ब्लेंड हो जाए तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। हाथों को तेल से थोड़ा ग्रीस कर लीजिए, थोड़ा सा पोर्शन लीजिए मिक्सचर का और इस तरीके से हाथों की मदद से बॉल बनाते जाइए। तो ये हम बन गए हमारे कोफ्ते। ये मैं एक साइड पर रख देती हूँ, इसी तरीके से सारे कोफ्ते बनाकर साइड पर रखते जाएं। तो देखिए कितने बढ़िया से बन गए ना हमारे कोफ्ते। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं तो 15 कोफ्ते बने हैं। अगर आप बड़ी साइज़ के बनाओगे कम कोफ्ते बनेंगे, अगर आप छोटी इससे साइज़ बनाओगे तो ज़्यादा बनेंगे कोफ्ते। अच्छा, इसे देख के ना आपको क्या याद आ रहा है? मुझे तो गुलाब जामुन याद आ रहे हैं। वैसे गुलाब जामुन की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैंने वो भी बनाया है, चेक कर लीजिएगा। अब एक पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो ये जो हमारे कोफ्ते हैं 4-5, एक मैं मीडियम आँच पहले कर दी हूँ, और इन्हें 4-5 या जितने आपके ये जो बर्तन के अंदर समा पाए उतने डाल दीजिएगा। एक साथ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, एकदम क्राउडेड मत कर दीजिएगा। थोड़े एट अ टाइम डालें, फ्यू एट अ टाइम डालें, और बस मीडियम आँच पर है ना इन्हें हमने तब तक फ्राई करना है जब तक थोड़े से कलर चेंज नहीं हो जाता। इसकी जो कवरिंग है ना थोड़ी सी कलर चेंज होके लाइट गोल्डन नहीं हो जाते, बस वहाँ तक ही आपने इसे फ्राई करना है। हम इसे गला नहीं रहे हैं, हाँ हम बस इसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें निकाल कर नितार कर मैं एक प्लेट में रख देती हूँ साइड पर। इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए सारों को। चलिए मैंने सारे बैचेस में फ्राई कर लिए हैं और इन्हें मैं साइड पर रख देती हूँ। और ये जो पतीली का तेल है ना वो सारा पहले तो मैं निकाल लेती हूँ और फिर थोड़ा सा वापस इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इतना सारा तेल तो नहीं डाल सकते ना। अब इसमें डाल दीजिए एक डंडी दालचीनी की, एक तेज पत्ता, 2 काली मिर्च और 2 लौंग। इन्हें थोड़ा तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर, अच्छा तड़तड़ा जाए। तो एक मीडियम साइज की प्याज को पीस कर इसमें डाल दीजिए। चूल्हा चालू करके मीडियम आंच कर दीजिए और इसे मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए प्याज को फ्राई कर लीजिए। अब हमें प्याज को इतना फ्राई करना है ना कि वो जो कच्चापन है प्याज का वो चला जाए और थोड़ा सा भूनी जाए प्याज, क्योंकि प्याज तो कच्ची है ना, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो जब प्याज अच्छे से भून जाए, और आप देखेंगे कलर भी चेंज हो जाएगा प्याज का, जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसमें डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 1.5 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैंने 1.5 डाला है, आप कम भी डाल सकते हैं, आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए सो दैट ये चिटके ना ना लग ना जाए और मसाले जल ना जाए। और इसे डालकर बार बार चलाते हुए आधे 1 मिनट तक भून लीजिए। जब तेल छूटने लगे तो यहाँ पर मैं चूल्हे को मीडियम आंच कर देती हूँ। 100 ग्राम दही फेटी हुई डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए पका लीजिए तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम आंच पर। जब 1 मिनट हो जाए और आप देखेंगे तेल छूटने लगा है और थोड़ी सी दही आप देख सकते हैं हल्की भुना गई है,
चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, और इसमें है ना मैं 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ, 1/4 कप जितना पानी है ना मैं मिक्सर जार के अंदर चलाकर डाल रही हूँ, और इसे एक बार चला लीजिए ग्रेवी को, और इसे ढक कर स्लो आंच करके इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता, और तब तक क्या होगा कि मसाले भी और अच्छे से बेहतर तरीके से भून जाएंगे और हमारी दही भी भून जाएगी। चलिए कुछ देर बाद आप देख सकते हैं तेल कितना अच्छा छूट चुका है, इसका मतलब हमारी दही भुना गई और मसाले भी भून चुके हैं। यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ 1 कप जितना पानी, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नमक भी डाल दीजिए स्वाद अनुसार। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, कोफ्ते साइड पर रखें, हमें इसमें एक उबाल आने देना है। मैं नमक चख लेती हूँ, मुझे नमक कम लग रहा है, मैंने थोड़ा फिर से एडजस्ट किया और ये देखिए अच्छा उबाल आ चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे जो सारे कोफ्ते हैं ये सारे डाल दीजिए, और उस पर जो भी तेल वेल लगा है मैं वो सारा ले लेती हूँ, कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिए, और इसे डालकर एक बार चला लीजिए इस तरीके से, हल्के हाथ से चलाइएगा, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 11-12 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट हमारे जो रह गए थोड़े कच्चे, हमारे गले हुए ही नहीं है ना, तो वो उतने में पक जाएंगे हमारे चिकन के कोफ्ते। चलिए 12 से 13 मिनट हो चुकी है और हमारे कोफ्ते बढ़िया से चिकन के रेडी हो गए हैं ग्रेवी के साथ। एक बार चला लीजिए, चूल्हे को कर दीजिए बंद, और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, नमक एडजस्ट करने जैसा लगे तो एडजस्ट कर लीजिए। और हाँ, आप देख सकते हैं, देखिए एकदम क्लोजली भी मैं आपको दिखा देती हूँ, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बिल्कुल भी कोई फूटे नहीं है, आप देख सकते हैं। तो कितनी बढ़िया और परफेक्ट रेसिपी है हमारे कोफ्तों की। अच्छा, मैंने मटन के कोफ्ते भी बनाए हैं, लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के भी दिखा देती हूँ। चलिए, तो ये देखिए गरम है तो मैं हाथों से नहीं तोड़ती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए एकदम परफेक्ट है और एकदम सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से एकदम परफेक्ट, के टूटे भी नहीं है, फूटे भी नहीं है, बढ़िया से और टेस्ट में एकदम सॉलिड है, मज़ेदार है। अच्छा, हरी मिर्चियों और लाल मिर्चियों का इस्तेमाल इस रेसिपी में अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।